आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग ड्रीम इलेवन ऐप में बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई करेंगे, और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई होने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करें जो इससे मेरा बैंक वेरीफाई हो जाए। मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, और मैं आपको यहां पर बैंक वेरीफाई करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अगर बैंक वेरीफाई होने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रहा है, तो सारे दिक्कत का परेशानी ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पर 24 से 48 घंटे के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए। अगर आप लोग का बैंक अकाउंट वेरीफाई करने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी है, तो सारे में प्रॉब्लम का सलूशन करके दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना हाथ में स्मार्टफोन ले लिया। स्मार्टफोन लेने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐप ओपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोग बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई करेंगे। ऊपर में आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे 3 लाइन और साथ ही अपना प्रोफाइल, उस पर टैप करेंगे। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे माई बैलेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप माई बैलेंस के ऑप्शन पे जाएंगे। माई बैलेंस के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वेरीफाई टू यहाँ पे विड्रोवल। जैसा कि आपको पता है कि आपको पैसे विड्रो करने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो सिंपल क्या करना है कि आपको इस पर जाना है। जैसे कि मैं इस पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई है, मेरा ईमेल वेरीफाई है, मेरा यहाँ पर पैन कार्ड भी वेरीफाई है। मैं अपना पैन कार्ड को वेरीफाई कर लिया। अब मेरा यहाँ पे जो कि मेरे यहाँ पे बचा हुआ है वो है मेरा बैंक अकाउंट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें किस प्रकार से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो सिंपल क्या करना है कि आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे कि मैं वेरीफाई के ऑप्शन पर जाता हूँ। वेरीफाई के ऑप्शन पर जाने के बाद अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर, IFC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम और स्टेट, और यहाँ पर आपको अपलोड करना है बैंक प्रूफ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस नाम से आप पैन कार्ड को अपलोड करेंगे, उसी नाम का आप बैंक अकाउंट भी आप लोग डालेंगे। इसमें क्या दिक्कत होता है कि आप अपना पैन कार्ड डाल दिए अपने भाई का, और आप अकाउंट नंबर आप अपना डाल रहे हैं, तब जाकर आपका वेरीफाई होने में दिक्कत होगा। तो बैंक आप जिसका पैन कार्ड डाले होंगे उसी का आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट भी आपको डालना होगा, तो जिससे कि आपका एक बार में वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको बैंक का पासबुक का भी आपको यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, उसके यहाँ पे सिंपल सबमिट कर देना है, जिससे कि आपका जो कि है बैंक बहुत आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं कि अगर आपका वेरीफाई आपको यहाँ पे करने में दिक्कत आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब मैं उस पर बात करता हूँ। अगर आपका बैंक वेरीफाई होने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपल बैक जाना है। जैसे आप यहाँ पे बैक जाएंगे, फिर मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, तो मेरा पूरा ही मेरा यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इस पर 3 डॉट पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो उसका नाम होगा, यहाँ पे आपको माई इन्फो एंड सेटिंग, उसके यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन होगा हेल्प एंड सपोर्ट का। सिंपल आप यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैट विद अस, यानी आपको यहाँ पे इस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से बात करना है। उसे यहाँ पे लिखना है माई बैंक अकाउंट वेरीफाई इज फेल्ड, माई बैंक अकाउंट वेरीफाई इज प्रॉब्लम। तो वही आपको यहाँ पे बता देंगे कि क्या दिक्कत आपके बैंक अकाउंट में, जिससे कि आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो आपका, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपका बैंक अकाउंट में दिक्कत नहीं होगा वेरीफाई होने में। फिर भी आपका बैंक अकाउंट में दिक्कत आता है, तो आप इस ऐप के कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे, वो आपका जो भी यहाँ पे दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सल्यूशन होगा, वो सारे आपको यहाँ पे दे देंगे। तो इससे आप लोग का जो भी जितने भी प्रॉब्लम है, वो सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।